स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलते सर आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं सुबह सवेरे की। सेंट्रल जेल समिति जयपुर के सदस्य एवं प्रमुख समाज सेवी कमल नयन गुप्ता द्वारा वार्ड 71 की अनेकों कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन करवाया गया। कोरोना वायरस महामारी के प्रयास को रोकने के लिए एक बड़ी जंग है जिसे सभी लोगों को मिलकर लड़ना है। पूरी मानवता को बचाने के लिए संघर्ष में सभी वर्गों और समुदाय को आपसी भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए साथ मिलकर काम करते हुए देखना है। पुराना स्कूल फुलेरा में बनाए गए अस्थाई चारा डिपो से लगातार पिछले 10 दिनों से भूखे निराश्रित गौवंश के लिए डलवाया जा रहा है चारा। कदम सेवा संस्थान द्वारा जयसिंहपुरा खोर जयपुर में गायों को हरा चारा व जरूरतमंद व्यक्तियों तक खाना पहुंचाया जा रहा है और हर संभव मदद की जा रही है। उस पुनीत कार्य में कदम सेवा संस्थान के अध्यक्ष गोविंद सिंह चंद्रावत का बड़ा हाथ है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना जैसी महामारी को लेकर एक संदेश दिया कि लॉकडाउन के आदेश का पालना करते हुए लोगों की मदद की जाए। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कल सहपत्नीक यहां निवास पर मुलाकात की। इस दौरान अपने साथ लाए मास्क दिखाते हुए जानकारी दी कि इस प्रकार के मास्क वे लोगों की मदद के लिए बना रहे हैं। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति बूंदी उपखंड इंडौली के संयोजक गिरिराज जोशी, सह संयोजक अब्दुल नजीर गांधीवादी, चिंतक धर्मेंद्र सुवालका, भंवरलाल गौड़ गांधीवादी वॉलंटियर, पूर्व सरपंच हनुमान व्यास, पूर्व प्रधानाचार्य कस्तूरचंद खींची, कमलेश सुवालका, महावीर सैनी, वार्ड पंच प्रगति जोशी सभी ने मिलकर सोशल डिस्टेंस के साथ मुस्लिम मोहल्ले में 150 मास्क वितरण किए। अंत में कृषि मंडी में जिंसों की खरीद फरोख्त शुरू हुई। किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। कटाई के पैसों को नहीं थी व्यवस्था। 12 जिले के अंत में कृषि उपज मंडी में आज किसानों की जिंसों की बिक्री शुरू हो गई है, जिसमें किसानों के माल की खरीद आढ़तियों द्वारा खोली बोरी लगाकर की गई। सुबह सवेरे में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।